लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसों को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और प्रपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में, नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन, विश्व में जी आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में, नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए
मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर